आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे दो पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई, और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गए, और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबॉडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कम्प्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जाने गई हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है, और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी उसकी मदद से। लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है, और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुंच गए हैं और उनको उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हेल्प लाइन आप लोग के द्वारा वहां काम कर रहा है। जो पैसेंजर हैं उस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे, उन लोगों को तत्काल अपने लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए क्या सुविधाएं दी गई? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको हेल्प, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के, और उसको अपने गंतव्य तक पहुँचा देंगे। तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन, और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हादसे में जो लोग इस तरह की फाइनेंशियल हेल्प और बाकी सुविधाएं दी जाए रेलवे बोर्ड के द्वारा, मंत्री जी ने एनहांस्ड एक्सक्रेशिया अनाउंस कर दिया है। वो अमाउंट, उनको हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो तुरंत डिसबर्स कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मेडिकल हेल्प की बात है, तो हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है कि हर किसी की जान बच जाए जो हॉस्पिटल में है, और उनको जिस भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए वो हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक उनके परिजन और उनके जो वेलविशर्स हैं वो उनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सब जगह हेल्पलाइंस खोल दी हैं। ये ट्रेन अगरतला से चल के सियालदा जाती है, तो वहाँ के जितने भी एन रूट स्टेशंस हैं सब जगह हेल्प डेस्क खुल गई है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसके अलावा टेलीफोन लाइंस सब जगह इस्टेब्लिश हो गई हैं, हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश हो गई हैं, जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृपया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फ़ोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फ़ोन पे जानकारी मिल जाए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।